हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मुनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में, जिसका आप सभी को इंतज़ार था। एनटीपीसी लेवल 2 और 5 के टाइपिंग टेस्ट की सीटिंग इंटीमेशन, तो वो जो लिंक है आरआरबी ने फाइनली जारी कर दिया है। अगर आपने अभी तक अपना सीट इंटीमेशन चेक नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक है, आप वहाँ से इजीली अपना सीट इंटीमेशन जो है चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास जो है अपना स्कोर कार्ड लिंक, ऑब्जेक्शन लिंक और उसके सबसे ऊपर ही आपका ट्रैवल पास का ऑप्शन आ जाएगा। ट्रैवल पास पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका सीट इंटीमेशन जो है वो बता देगा। मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि किस तरीके से आपका खुलने वाला है। एक मिनट रुकिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और ये आपका 4 शिफ्ट के अंदर होने वाला है। पहली शिफ्ट जो आपकी होगी वो 8:30 से 9:30, दूसरी 11 से 12, तीसरी 1:30 से 2:30 और चौथी आपकी 4 से 5 होगी। ये जो कैंडिडेट है इनका मेरठ से इंटर पड़ा है और इनका 12 अगस्त को टाइपिंग टेस्ट है। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, हिंदी में हम लोग देख सकते हैं इसके इसको। यहाँ सूचना आपका ई को, ये जो है आपका ई को लेटर नहीं है, ये आपके सीट इंटीमेशन के लिए ट्रैवल पास दिया गया है, ये इन्होंने पहले ही बोल दिया। यह केवल आपकी परीक्षा शहर व दिनांक की जानकारी देता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, आप अपने संदर्भ के लिए इस सूचना को डाउनलोड या मुद्रित, यानी कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने भी दे सकते हैं, आप देख के डायरेक्ट ख़त्म कर सकते हैं। आपको ई कॉल लेटर के आधार पर परीक्षा में अनुमति दी जाएगी। ई कॉल लेटर के आधार पर आपको परीक्षा में एंट्री दी जाएगी और जो वो ई कॉल लेटर आपका आपके एग्ज़ाम से, यानी कि 12 तारीख को अगर आपका एग्ज़ाम है तो 4 दिन पहले यानी कि 8 अगस्त को जो है आपका ई कॉल लेटर जो है जारी हो जाएगा। और इसके अंदर क्या है कि जब आप जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर आप जाएंगे तो आधार कार्ड परीक्षा केंद्र पर लेकर आएं। परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों के द्वारा सक्षम बायोमेट्रिक की जाएगी, जैसा कि CBT 2 में किया गया था इनके द्वारा, वैसे ही अब टाइपिंग टेस्ट के लिए भी किया जाएगा। और टाइपिंग के लिए जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, आपके डाउट्स हैं, वो मैं शाम को एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं टाइपिंग के बारे में आपको सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। किस तरीके से फुल मिस्टेक आरआरबी काउंट करेगा, किस तरीके से हाफ मिस्टेक आरआरबी काउंट करेगा और कितनी स्पीड पर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब मैं उस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।